और नीतीश जी के भतीजा है। अब दो बार हम उप मुख्यमंत्री रह चुके, दो बार नेता विरोधी दल है, दूसरा बार है। हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, इतना साल से नीतीश जी। इस बार 22 में जब बीजेपी को छोड़ के आए, फिर हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, अब मुख्यमंत्री है। अब उनसे बिहार नहीं चलने वाला है। कोई विचारधारा होनी चाहिए। उधर जाते हैं उधर का लोग को कोसते है, इधर आते हैं इधर का लोग को कोसते। कभी इधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी बुजुर्ग हैं, हमारे अभिभावक हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। हम लोग गार्जियन के रूप में उनको समझते हैं। लेकिन आप लोग देखे होंगे, कभी भी उनको जरूरत होती है हम लोगों की, यही ना बोल करके हम लोगों के पास आए थे कि भाजपा उनके पार्टी को तोड़ने का काम कर रहा है। फिर हम लोगों ने सहयोग किया। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी एक बार नहीं दो बार 15 में हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया। इस बार 22 में जब बीजेपी को छोड़ के आए, फिर हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया। अभी केवल मात्र 40 सीट था उनके पार्टी का, हम लोगों के पास 80 सीट, लेकिन उनको बनाया। और 2020 में जब हम कहते थे कि 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे, तो यही नीतीश कुमार जी हमारे चाचा क्या कहते थे कि कहां से आएगा पैसा, अपने बाप के पास से ला करके देगा पैसा। लेकिन फिर भी हम उनका सम्मान करते रहे, इज्जत करते रहे। और पता नहीं अचानक से बिना बताए आप जो है भाजपा में चले जाते हैं, तो कोई रीजन नहीं है। और जब तक स्थिरता नहीं रहेगी बिहार में सरकार में, तब तक विकास संभव नहीं है। और आप बताइए, जब मुख्यमंत्री 20 में कहते थे असंभव है नौकरी देना, कहां से देगा 10 लाख, लेकिन जब आपका बेटा भाई 17 महीने उप मुख्यमंत्री रहा, तो उन्हीं से हमने 5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र बटवाया। देखिए, हम नए सोच के नया बिहार बनाना है। आप लोग की तरक्की हो, हमारी यही कामना है। अपने लिए हमको कुछ नहीं चाहिए। हम दो दो मुख्यमंत्री के बेटा हैं और नीतीश जी के भतीजा हैं। और दो बार हम उप मुख्यमंत्री रह चुके, दो बार नेता विरोधी दल है, दूसरा बार है। हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एक बात किसी से भी पूछिएगा, इतना साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री है, अब उनसे बिहार नहीं चलने वाला है। कोई विचारधारा होनी चाहिए, कोई सिद्धांत होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए। लेकिन आज ना उधर जाते हैं उधर का लोग को कोसते हैं, इधर आते हैं इधर का लोग को कोसते हैं। कुछ दिन पहले भाजपा वाला क्या कह रहा था नीतीश जी के बारे में, कौन उनके साथ खड़ा था, कौन खड़ा था उनके साथ? हम लोग खड़े थे उनके साथ, मिलकर के 24 में भाजपा को हराते। लेकिन अब चाचा जी जो झंडा उठाए थे, अब भतीजा झंडा उठा करके भाजपा को रोकने का काम कर रहे हैं। आप सब लोग जान रहे हैं उनको हाईजैक कर